नमस्कार म अहिले कालिम्पोङको दुर्पिन ग्राउन्ड हेलिप्याड जुन सैनिकहरूको हेलिप्याड छ त्यहाँनिर हरेक वर्ष नि सैनिकहरूले भेटरन्स ऱ्याली गर्ने गर्दछ र यस कार्यक्रममा आज विशेष कार्यक्रम फेलिसिएट कार्यक्रम हो जो वीर नारीहरूलाई रिटायर्डलाई यहाँनिर उहाँहरूले फेलिसिएट गर्नेछ र अन्य कार्यक्रमहरूमा यहाँ उहाँहरूले निशुल्क सेवाहरू राखिएको छ र के हुनेछ त्यो कार्यक्रम हामी तपाईँहरूलाई केही क्षणमा देखाउनेछौँ किनकि आजको विशेष व्यक्ति अर्थात् चिफ गेस्ट जिओसी यहाँको आगमन हुन आँटेको छन् यहाँ जति पनि आर्मी अफिसर्सहरू छन् उहाँहरू यहाँ तैनात बसेका छन् उहाँलाई स्वागत गर्नका निम्ति र यहाँ जति पनि सैनिकका जति पनि फ्यामिलीहरू पनि छन् अनि सैनिकका जति पनि निमन्त्रित व्यक्तिहरू फ्यामिलीहरू परिवारहरू यहाँ छन् फेलिसिएट गर्ने र उहाँहरूको साथमा आउनेहरू र उहाँहरूको साथमा यो कार्यक्रम सुरु हुनेछ यहाँ प्राप्त जानकारी अनुसार केही कल्चरल प्रोग्रामहरू पनि हुनेछ र आज यस भेटरन्स ऱ्यालीमा सैनिकहरूद्वारा यो कार्यक्रम के कस्तो छ हामी तपाईँहरूलाई गोर्खा च्यानलबाट सिधा देखाउनेछौँ माननीय जीओसी साहब 27 काउंटेड ड्यू मेजर जनरल अजय कुमार वर्मा पहुंच चुके हैं और आज के कार्यक्रम का शीघ्र ही शुभारंभ किया जाएगा। नमस्कार। आज के मुख्य 27 माउंटेन डे यहाँ पर उपस्थित सभी भूतपूर्व सैनिक उनके परिवारजन और वीर नारियां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे और मेरे सभी साथियों का मैं स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर सुमेश सेठ की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारी सेना के काफ़ी जवान अपना इस काम को करते हुए देश के लिए शहीद भी हुए हैं। भूतपूर्व सैनिक रैली एक ऐसा माध्यम है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारजनों और शहीद हुए जवानों की वीर नारियों से मिलकर उनके कल्याण के प्रति वचनबद्धता को पूरा करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आज की यह रैली इसी दिशा में एक छोटा सा कदम है। इसे देखते हुए हमारी केंद्रीय सरकार भारतीय सेना और राज्य सरकारों ने आपका जीवन को और आपके आश्रितों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हम लोग हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। भूतपूर्व सैनिक रैली एक ऐसा माध्यम है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को समझा जाता है और दूर करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नई सिविल एजेंसियों के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी अवगत कराया जाता है। आपके कल्याण संबंधी माध्यमों के द्वारा एक सुविधाओं का आयोजन किया है जिसमें मेडिकल कैंप आपको ग्रुप में डाल दी जाएंगी ताकि आपको घर बैठे ही इन सभी पॉलिसीज के बारे में पता लग सके। उज्ज्वल और सुदृढ़ भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। एक बार फिर से स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन की तरफ से मैं वीर नारियों भूतपूर्व सैनिकों तथा विशिष्ट अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भूतपूर्व सैनिकों और सर्विस सैनिकों को एक साथ एकत्रित होने का सुनहरा मौका मिला है। भारतीय सेना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर समय समय पर भूतपूर्व सैनिक रैली का आयोजन करती रहती है। आज की रैली का खास मकसद भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही नई योजनाओं और स्कीमों से अवगत कराना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना है। आप सभी की जानकारी हेतु भूतपूर्व सैनिक हेल्पलाइन सुविधा केंद्र ECHS केंद्र आधार केंद्र ई रजिस्ट्रेशन केंद्र पेंशन निदान केंद्र सैनिक कल्याण बोर्ड बैंक केंद्र ARO सहायता डेस्क और
रीसेटलमेंट कैंप इत्यादि स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा आपके लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं जिनमें संबंधित समस्या का निराकरण हो सके। अभी आपके मनोरंजन के लिए भारतीय संगीत और नृत्य के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति पेश करेंगे। सबसे आई बहुत ताली। यो देश का बिने पाली हामी दाजु भाई हो। यो देश का बिने पाली हामी दाजु भाई हो। संसार भर में गई रहन्छ हाम्रो पुर्खा को वीरम चाहते संसार भर में गई रहन्छ हाथ मसीरु पाते नंगो कुकुरीली हाथ मसीरु पाते नंगो कुकुरीली मरी को नाश करी रक्षा हम गई दोष करो। यो देश का बिने पाली हामी दाजु भाई हो। यो देश का सत्यता को लाज राखी देव सितारा सावित्री जस्तो बहिनी को पवित्र सत्यता को लाज राखी देव मृत्यु पानी सुख समझती मिले प्राण दिए तिमी रक्षा हाम्रो गर्नु हो। यो देश का बिने पाली हामी दाजु भाई हो। यो देश का बिने पाली हामी दाजु भाई हो। अमर विभद्र का तिमी संतान हो। अमाको दूध को लाज राखी देव अमर विभद्र का तिमी संतान हो। नाला पानी र माटोको किल्लामा ढुङ्गा र खुकुरीको भरमा लड्ने यो देश का बिने पाली हामी दाजु भाई हो। यो देश का बिने पाली हामी दाजु भाई हो।
यो नेपाली सिरौ चाली संसारमा नाम कान्छ जुन केरी जय ज्योति वाली अन्धकार मचाउँदै आउँछ यो नेपाली सिरौ चाली संसारमा नाम कान्छ जुन केरी जय ज्योति वाली अन्धकार मचाउँछ
Thank you.
We have to.
Wife of Captain Amit Dev, 8GR.
श्रीमती बीबी माया वाइफ ऑफ राइफलमैन मेहती राय 11 GR। फोटो इधर से लीजिए, वो बैकग्राउंड में आना चाहिए इस तरफ। मीरा राय राइफलमैन रोशन राय 11 GR। श्रीमती अनिता गुरुंग राइफलमैन नरेंद्र गुरुंग। श्रीमती टीका गुरुंग वाइफ ऑफ राइफलमैन राजेश गुरुंग 3 GR। श्रीमती रेणुका शेरपा वाइफ ऑफ सिंह पुले शेरपा जैक राइफल। श्रीमती अंजलि छेत्री वाइफ ऑफ हवलदार फुल बहादुर छेत्री इन कोर। श्रीमती देविका थापा वाइफ ऑफ राइफलमैन ब्रिजेश थापा 4-5 GR। DSM विडोज को आग्रह करूंगा कि वह सामने आए और अपना पुरस्कार वितरण करें। सबसे पहले श्रीमती सावित्री चौहान वाइफ ऑफ लेक पिराज सिंह चौहान बंगाल इंजीनियर ग्रुप रूड़की। श्रीमती गीता गुरु वाइफ ऑफ हवलदार हेमलाल गुरु 2-5 GR। श्रीमती लक्ष्मी देवी वाइफ ऑफ राइफलमैन रतन सिंह 2-4 GR। श्रीमती देवकी सुब्बा वाइफ ऑफ हवलदार लेट तेबाहम सुब्बा 11 GR। श्रीमती इंदिरा मनागर वाइफ ऑफ लेट दंधीर मनागर 2-4 GR। श्रीमती मनमाया भुजेल वाइफ ऑफ हवलदार लेट अखिल बहादुर भुजेल AOC। श्रीमती शकुंतला राय वाइफ ऑफ हवलदार लेट लाल बहादुर लिंबू 1-1 GR। मेजर जनरल अजय कुमार वर्मा से निवेदन करता हूं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड वेटरन्स वर्ल्ड डिसेबल वेटरन्स और सीनियर वेटरन्स से परिचय कर उन्हें सम्मानित करें। सबसे पहले राइफलमैन करता बहादुर लिंबू 2-1 GR। देखो फिट हो अभी भी। हवलदार क्लर्क विष्णु योंजोन वाइफ ऑफ लेट मोहन बहादुर लामा 3-5 GR। ऑनरेरी कैप्टन इब्बत कुमार राय 4 GR। ऑनरेरी कैप्टन पीबी राय 4-1 GR। थैंक यू।
नायक सीबी राय 11GR। सुबेदार नारायण राय 11GR। नायब सुबेदार जीवन तमा पार्टी। He is Narayan Rai sir from 11GR. Subedar Narayan. Subedar Narayan. अभी हमारे बीच हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की टीम को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए मैं टीम के सीनियर से अनुरोध करता हूं कि मैदान में आए। राफेल ड्रॉ के भाग्यशाली विजेताओं को टिकट संख्या के आधार पर चुना जाएगा। सातवें भाग्यशाली विजेता रहे हैं HB राय, जिनको 2000 का पुरस्कार दिया जाएगा। Very good, lucky. Very good. 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 ब्रिगेडियर सुमेश सेठ, डिप्टी POC स्टेशन कमांडर कालिम्पोंग और उपस्थित भूतपूर्व सैनिक वीर नारियां, हमारी वीर माताएं और भारतीय सशस्त्र सेना के सर्विंग और रिटायर्ड दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं PSN रैली कालिम्पोंग में। ये एक हर साल एक एनुअल इवेंट है और आने वाले समय में भी ये इवेंट होते आए। कालिम्पोंग के अलावा हमारे जितने भी मिलिट्री स्टेशन हैं, दार्जिलिंग है, सेवक और डार्जिलिंग, ये सब जगह ये सब रैली होते आ रही है और ये एक अच्छा मौका है कि जब हम आपस में एक मिलकर बैठ सके और ज्यादा जरूरी है कि आप सबको हम बता सके कि क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ESM के लिए कर रहे हैं। आपको पता है कि जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर था, ये काफी समय से
एक ऐसा विषय था कि जिसपे हमारी सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो उतना ध्यान दे नहीं पा रहा। ऐसा नहीं था कि वो सरकार ध्यान नहीं देना चाहती थी, लेकिन बहुत ऐसे विषय थे कि जो सुलझे नहीं थे, जानकारी नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी और आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से ये विषय आगे नहीं बढ़ पा रहा। और इसलिए 14 जनवरी 2017 जिस दिन फर्स्ट हमारे कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे, ये दिन वेटरन्स डे मनाया जाता है। और ये वेटरन्स डे दिल्ली में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद इसमें काफी एक जोश दिखाई दिया। दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर लेवल पे एक वेटरन सेल बनाया गया है जो कि एजीस ब्रांच के नीचे आता है और उसमें एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर हेड कर रहे हैं और उनके साथ काफी एडम और सपोर्ट स्टाफ है जो हमारे जितने भी ईएसएम संबंधित विषय हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और जितने भी और इश्यूज हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये उसको आगे बढ़ाता। तो ये बहुत जरूरी है कि आप और दिल्ली के बीच में एक मिलाप है, क्योंकि अगर ये मिलाप रहेगा तो तभी जाके आप इतनी सुविधाएं हैं इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ में मैं आपको कैलिंपोंग 27 माउंटेन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जहां तक जो भी मदद हो सकती है, जितने भी हमारे मिलिट्री स्टेशन डिवीजन के हैं, जो भी सहयोग और सहायता जब भी हो, जहां तक हमसे आपको कोई सहायता चाहिए, हम हमेशा आपके साथ। पिछले वर्ष मैं खुद हमारी जो सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू मिसेज संजीव की कुटी है उनसे मिला था, कुछ विषय थे ईएसएम के बारे में, उनसे कुछ जानकारी चाहिए थी। एक वेटरन थे जिन्होंने कैंसर की मेडिसिन बाहर से लेनी ली और उसका उनको पैसा नहीं मिला, तो उस विषय में मैं वाइस चीफ सेक्रेटरी में था तो वाइस चीफ साहब ने कहा कि इसको कैसे ना कैसे हमको कराना, और मैं उस समय एडिशनल सेक्रेटरी से मिलता रहा ये केस सुलझाने के लिए। और जब मैं उनसे बातचीत करता था तब मुझे पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत सारा पैसा है जो एक सर्विसमैन के लिए नियुक्त होता है वो सरेंडर हो गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो हमारे एक्स सर्विसमैन या उनके बच्चों के लिए निर्धारित की गई है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये वैकेंसीज भरना कोई रिस्पॉन्स ना होने की वजह से कोई उसमें जब अर्जी नहीं लगाता है तो ये जनरल पब्लिक के लिए वैकेंसीज चाहे वो सर्विसेज चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो दुकान के अलॉटमेंट में हो, पोल के अलॉटमेंट में हो इत्यादि, ये परफॉर्स उनको जनरल पब्लिक को दी जाता है, उनको देना पड़ता। तो इसलिए बहुत जरूरी है सबसे पहले कि हमारे जो भी वेटरन्स हैं, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, आपको सबसे पहले जानकारी होना बहुत जरूरी कि आपके लिए क्या चीजें निर्धारित है और क्या क्या सुविधाएं सरकार देती है। इसलिए कैलिंपोंग स्टेशन में मैंने कहा है कि जहां तक हो सके आपको और हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर कैलिंपोंग को जोड़ने के लिए हमने तकरीबन 350 एक्स सर्विसमैन को व्हाट्सएप ग्रुप में हम इकट्ठे आपको लेके आ गया, ताकि जो भी ऑर्डर्स हमको पता चलते हैं, जो भी जरूरी बातें हमको पता चलती हैं, तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि अगर हम 100 आदमी को चिट्ठी ना दे सके या फोन पे ना बता सके, एटलीस्ट ये सोशल मीडिया के जरिए आपको जरूर बताएंगे कि क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या आदेश हैं, जिससे कि आप उसका फायदा उठा सकते हैं।
इसके अलावा अगर कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी चीज जानकारी हो, कहीं जहां सहायता चाहिए, हमारे पास एक सर्विसमैन सेल भी है यहाँ पर कैलिंग में और बाकी और स्टेशन में भी जहाँ पर ऑफिसर्स नियुक्त हैं, उसको भी जरूर आप उसका फायदा उठा। एक समस्या हमेशा रहती है इसी अपनी ECHS से, क्योंकि फंड्स न होने की वजह से कुछ समय ऐसे भी आए हैं कि जब मेडिसिन की कमी भी है, हमारे बिल्स क्लियर नहीं हो पाए हैं। ये लेकिन ये एक टेम्पररी फेज था कि इस साल जितनी भी अलॉटमेंट हुई थी लास्ट क्लास में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े थे कुछ विशिष्ट कुछ कारणों की वजह से, लेकिन इस साल ऑलरेडी पैसा आ चुका है, मेडिसिन के ऑलरेडी सब जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, ये ऑलरेडी सब स्टेशन में मैंने चेक किया है ये इन प्लेस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल ये शायद इतनी कठिनाई नहीं होगी जितनी कि इस साल आपको फेस करनी पड़ी। अगला हमारे पास आवा की तरफ से, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन की सोसाइटी की तरफ से एजीज ब्रांच इंडियन आर्मी की तरफ से, साथ में हमारे नेवी और एयरफोर्स के जो एजीज ब्रांच के बराबर के जो और अदर ब्रांचेस हैं उनकी तरफ से बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो आपके लिए हैं। साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों स्टेट गवर्नमेंट, सिक्किम की स्टेट गवर्नमेंट से भी और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सुविधाएं हैं जो कि जिनकी जानकारी हम तक आती है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। इसका मैं चाहूंगा कि जरूर आप इसका फायदा उठाएं। अंत में स्ट्राइकिंग माउंटेन स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपना समय निकाला और आप यहां आए, और मैं चाहूंगा कि हम एक मिलजुल के इस भारतीय सशस्त्र सेनाओं का नाम और आगे ले जाएंगे, और आपका जो बलिदान रहा है, जो आपका बहुमूल्य समय रहा है जब आप सेवा में थे, उसके लिए आप सबका बहुत आभारी हूं। और साथ में मैं चाहूंगा कि जहां पर भी आप अपनी अपनी जगहों में हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का नाम और आगे ले जाए, और साथ में इतनी सारी पोस्ट हैं जो कि हमारी रिक्रूटमेंट इन इलाकों से होती हैं, तो जरूर अच्छे से अच्छे बच्चे जरूर इस फौज में, चाहे वो ऑफिसर्स रैंक पे हो, जेसीओ या जवान रैंक पे हो, जरूर उनको आगे भेजें ताकि आप की आने वाली पीढ़ियां इस परम सशस्त्र भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ जुड़े रहें। अंत में एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। मेजर जनरल अजय कुमार वर्मा, जीओसी 27 माउंटेन डिवीजन, ब्रिगेडियर स्टेट डिप्टी जीओसी एंड स्टेशन कमांडर कलिंपोंग, मिसेस वर्मा चेयरपर्सन FWO, ऑफिसर्स JCOs अदर रैंक्स, लेडीज सिविल डिग्निटरी और हमारे भूतपूर्व सैनिक वीर नारी और फैमिली, सभी को हमारा जय हिंद और नमस्कार। ओपीजी यहाँ निःशुल्क सेवा हुन्छ, जो जो आज यो कार्यक्रममा भागीदारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो सुरक्षा उहाँहरूले सहुलियत लिन सक्नुहुनेछ। त्यसरी सर्जिकल ओपिजी तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ, यहाँ सर्जिकल ओपिजी पनि तयारीमा बसेका छन्, र त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यहाँ गाइने ओपिजी पनि रहेछ। लेफ्ट साइडमा रिसेप्सन सेन्टर मेडिकल क्याम्पको लागि सर्वप्रथम चाहिँ सायदै यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले जो जसले यहाँबाट निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यहाँनिर रिसेप्सनमा गएर उहाँहरूले आफ्नो नाम दर्ता गर्ने पर्ने हुनेछ। धेरै प्रकारको तपाईँहरूले यहाँनिर मेडिकल क्याम्पमा तपाईँहरूले सहुलियत पाउनुहुन्छ, यो वर्षैभरि हरेक वर्षमा पाउने गर्छन्। यहाँ 100% डिस्काउन्ट आइटम
यहाँ डिस्काउंट हाँ आर्मी में कैंटीन में कतिवटा डिस्काउंट सिविलियंस यहाँ पाँच भी आर्मी का जति प्रेजेंट आर्मी भूतपूर्व उन्नीर को फैसिलिटी यहाँ डिस्काउंट को निम्ति हई तस्त प्रकार यहाँ रहे रिसेटलमेंट पैन कार्ड को ये केबिन देख्ह यहाँ देख्ह हम म्युनिसिपालिटी का संजय दाजू एसआई हो आधार कार्ड को निम्ति यहाँ यो अफिस अफ द इन्कम ट्याक्स अफिसर वार्ड नम्बर 3 & 4 कालिम आधार कार्डमा रेक्टिफाई हुनुपर्छ बनिएको छैन गडबडी केही छ जानकारीहरूको उहाँले ब्याङ्कमा त आफ्नो खाता खोल्नै पर्छ आफ्नो बचतको निम्ति यहाँ धेरै सहुलियतहरू हुन्छ भने एलआइसी लाइफ इन्सुरेन्स जीवन बिमा निगम पनि गर्ने हुनु अनिवार्य नै छ र धेरै कागजपत्रहरूमा डकुमेन्ट्सहरूमा एलआइसीको पनि धेरै खाँचो पर्ने हुँदैछ र एसबिआईमा के छुट र के नयाँ नयाँ फेसिलिटिजहरू छ के होम लोनदेखि लिएर धेरै धेरै थुप्रै किसिमको पनि हुन्छ उहाँहरूले यसबारेमा उहाँहरूले बताउनु लागि उहाँहरू यहाँ बस्नुभएको छ सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डियामा पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कमा के सहुलियतहरू पाउँछ के अफर छ नयाँ क्राइटेरियाहरू के छ उहाँहरूले बुझाउनको लागि यहाँ भूतपूर्व परिवारहरू र जति पनि प्रेजेन्ट उपस्थित यहाँनिर हुनुहुन्छ सैनिकहरू उहाँहरूको निम्ति यहाँ राख्नु भएको छ नि अहिले हामी देख्दैछौँ यहाँ मिस्टर कर्नल रमेश आले जिओसी अनि मिसेस जिओसी अनि अन्य अफिसर्सहरू सर मिस्टर थापा सर हुनुहुन्छ कर्णल सर यहाँ भूतपूर्व सैनिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस ऱ्यालीमा के सहुलियत रहेछ के फेसिलिटीदेखि नि शुल्क उहाँहरूले पाउनुहुन्छ त्यसको निम्ति उहाँहरूले खुलस्ता यस ग्राउन्डमा मैदानमा राखिदिएको छ र यो जानकारीको निम्ति जिओसीले भिजिट गरिरहनु भएको छ र आज गोर्खा च्यानलबाट तपाईँहरूलाई जे जति हामी जानकारीको यो क्लिप्सहरू देखायौँ जानकारी दिउँ तपाईँहरूले यसको पूर्ण उपयोग र तपाईँहरूलाई फाइदा हुनेछ भन्ने हामी आशा राख्दै म सन्ध्या प्रधान लगायत चिफ एडिटर रतन गुरुङको साथमा अहिलेलाई भने आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार गोर्खा च्यानल कालिम्पोङबाट